कैसे हो आप सारे? नमस्ते एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस चैनल. आई एम योर यूट्यूब बडी कियारा एंड आई नो इट इज़ बीन अ रियली लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट पोस्टेड एनीथिंग. आई मीन आई थिंक कम से कम 7 to 8 months हो गए हैं एंड द लास्ट वीडियो आई पोस्टेड वॉज अबाउट माई प्रैक्टिकल फाइल. इट इज़ बीन क्वाइट अ जर्नी एक्चुअली एंड दैट इज़ वाई आई एम हेयर राइट नाउ. आई एम गोइंग टू शेयर वॉट एक्चुअली हैपन बिहाइंड द सीन्स एंड Why I quit YouTube, मैंने क्यों वीडियोज़ डालना बंद कर दिया था, बिकॉज इट इज़ अ होल स्टोरी इन इट सेल्फ एंड आई एम हेयर टू यू नो गिव यू जस्ट अ लाइफ अपडेट अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी इन माई लाइफ. एंड आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू नो विच कॉलेज आई गॉट इन टू एंड वट परसेंटेज आई सिक्योर्ड इन माई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स. सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो ऑनली. नाउ बिफोर एवरीथिंग आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइज, लाइक दिल से थैंक यू, माई हार्ट फेल्ट थैंक यू, बिकॉज ड्यूरिंग माई ब्रेक सम ऑफ यू गाइज एक्चुअली मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम. यू वर लाइक इन टच विद मी एंड यू वर आस्किंग मी कियारा व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू नॉट पोस्टिंग एनीथिंग. एंड सीरियसली इट मेंट द वर्ल्ड टू मी. लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स मतलब इतना ख्याल रखते हैं मेरा एंड दे नोटिस्ड माई एब्सेंस. दिस इज़ वॉट रियली मैटर टू मी. सेकेंडली आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी कम आ रही होगी मे बी एंड थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड नॉइस, बट दैट इज़ बिकॉज आई कॉन्ट फाइंड माई ट्राईपॉड स्टैंड, आई कॉन्ट फाइंड एनी ऑफ द इक्विपमेंट. सो आई एम एक्चुअली जस्ट कीपिंग अ बॉक्स अहेड एंड उसके ऊपर मैंने फ़ोन लगा रखा है. दिस इज़ अ रियली टेम्प्ररी सेटअप एंड उसके कारण जो भी थोड़ा सा क्वालिटी इशूज़ होते हैं आई एम रियली सॉरी फॉर देम इन एडवांस एंड आई नो यू गाइज वुड नॉट माइंड इट एट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिगिन विथ क्लास 12th. आई थिंक वाई आई लेफ्ट यूट्यूब उसका आंसर मेरी क्लास 12th की जर्नी में ही मिलता है. तो आई थिंक क्लास 12th से पहले भी यू मस्ट रिमेंबर मी फ्रॉम माई क्लास 10th वीडियोज़, स्पेशली माई हिंदी वीडियोज़. आई वॉज वेरी एक्टिव देन, इट वॉज एन एरा फॉर मी सीरियसली. आई मीन आप लोगों ने मुझे मेरी हिंदी वीडियोज़ पे बहुत सपोर्ट दिया था एंड आई वॉज सीरियसली बेयरली इन क्लास 10th एट दैट टाइम, अ किड ओनली. अपनी स्टडीज़ के साथ साथ मैंने जैसे भी यूट्यूब वीडियोज़ बनाई आपने खूब प्यार दिया एंड इट रियली मेंट अ लॉट टू मी. हाउएवर हुआ क्या कि मतलब 4.5K सब्सक्राइबर्स तक हो गए मेरे आई थिंक क्लास 10th 11th तक. 11th में मैंने वीडियोस डाली नो डाउट, बट उनके व्यूज़ बहुत डिक्रीज हो गए. इट्स लाइक द व्यूज़ वर रियली नॉट प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट आई हैड एंड कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था व्यूअर्स का. सो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड. प्लस 11th में आके एंड देन सब्सिक्वेंटली 12th में आके मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करने का. नो इफ़ यू आर अ क्रिएटर योर सेल्फ आप जानते होंगे कि कितना हार्ड होता है लाइक यूट्यूब पर वीडियोज़ डालना, बिकॉज उसके पीछे जो मेहनत लग रही है लाइक एट दिस मोमेंट ओनली रिकॉर्डिंग दिस, यू नो एडजस्टिंग एवरीथिंग एंड जस्ट रिकॉर्डिंग दिस, देन एडिटिंग दिस, देन पोस्टिंग दिस ऑनलाइन विद सो मच करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. 12th में आते ही द थिंग इज़ मेरे अकेडमिक गोल्स शुरू से बहुत ज़्यादा क्लियर थे. मतलब मेरा डिसाइडेड था कि मुझे एक इतना परसेंटेज का लेवल क्रॉस करना है, मुझे अकेडमिकली इतना मार्क्स चाहिए एंड मेरे टीचर्स स्पेशली माई पॉलिटिकल साइंस टीचर मिसेज अंजना, शी रियली यू नो एडवाइस्ड मी कि मेरे को कुछ समय के लिए यूट्यूब छोड़ देना चाहिए एंड आई कुड रिज्यूम इट आफ्टरवर्ड्स एनी टाइम. एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही एडवाइस दी, माई लव्ड वंस ऑल ऑफ देम. एंड सीरियसली एक ये भी था एंड एक ये भी फैक्टर था कि आई वॉज नॉट फाइंडिंग एनी टाइम एट ऑल, आई वॉज नॉट फ्री एट ऑल. लेट मी टेल यू, मेरे पास मैथ्स थी सब्जेक्ट में इवन दो आई हैड ह्यूमैनिटीज़, सो यू नो हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी, स्पेशली फॉर मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो मुझे ट्यूशन्स लेने पड़े उसके. आई जॉइंड अ कोचिंग नियर बाय एंड आई वॉज यू नो डिवोटिंग 1 to 2 hours देर ओनली एंड साथ में खुद का खर्चा मैनेज करने के लिए यू नो लाइक अपने ट्यूशन की फ़ीस कंपेंसेट करने के लिए आई वॉज ऑल्सो ट्यूटरिंग यंग किड्स एट माई प्लेस. तो उसमें भी मेरा काफ़ी टाइम जा रहा था, काफ़ी मेहनत भी लग रही थी. सो आई रियली डिड नॉट हैव द टाइम, आई डिड नॉट हैव द एनर्जी टू डिवोट टू यूट्यूब एट ऑल एंड दैट इज़ वाई यू फाउंड मी एब्सेंट ऑन यूट्यूब. इसलिए मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था. ये फैक्टर्स थे एंड देन यू नो नो व्यूज़ एट ऑल, नो कमेंट्स एंड इट रियली डिसअपॉइंटेड मी कि मैं अगर मेहनत डाल रही हूँ अपनी तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है एंड दैट इज़ अनदर रीज़न वाई आई क्विट यूट्यूब टेम्पोरेरीली. के दौरान डेफिनेटली मैंने बहुत मेहनत की एंड यू नो आई यूटिलाइज्ड माई ब्रेक फुली वेल. मैंने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की एंड यू नो आई जस्ट गेव ट्यूशन्स एंड एवरीथिंग एंड
finally, I am so happy to share my achievement with all of you guys. I've been dying to tell you this, and you guys have been messaging me constantly on Instagram ki yaar kitne aaye, because maine uske upar bhi koi update nahi diya tha Instagram pe. So काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी यू नो लेट नाइट स्टडीज एंड एवरीथिंग, विद माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स ब्लेसिंग्स, विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, आई स्कोर्ड 97.4% इन माय क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स. आई नो इट इज़ अ रियली बिग अचीवमेंट एंड आई एम सीरियसली ग्रेटफुल फॉर दिस. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू गाइज जिनके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए थे. एंड आई नो काफ़ी लेट हो चुका है, बट मुझे ये तो आपको बताना ही था क्योंकि आप सब पूछ रहे थे काफ़ी टाइम से, जो भी मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं अब तक. इट वॉज़ अ वर्ल्ड वाइंड ऑफ यू नो लेट नाइट स्टडी सेशंस, चाय ब्रेक्स एंड कॉन्स्टेंटली टेकिंग डाउन नोट्स एंड वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स. इट रियली टुक अ लॉट आउट ऑफ मी, बट इन दी एंड इट वॉज वर्थ इट. इट सीरियसली वॉज. सो या दैट वॉज माई एक्सपीरियंस. Now you guys might be wondering ki what's in store for this channel. I mean, I never really wanted to delete it. Main ek baar ko mere mann mein aaya tha, but you know what, I just watched a few of my previous videos and I was like, nostalgia ne hit kiya, nahi main isko delete nahi kar sakti kisi hal mein. So I thought I'll get back on YouTube because I have so much to give to you guys. I have so much to share, my personal life lessons, my experiences, my vlogs, and you know, whatever comes into my mind, I'll share it with you guys. Seriously, मुझे ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, and that's why I have thought कि I'll rebrand my channel. If you remember, a few days ago only, I posted this on my community tab. अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो एक बार, you'll understand that I'm rebranding this channel. अब rebranding का actual implication क्या है इस channel के लिए? It means that I am changing the logo of this channel. Like, अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज रखूँगी. It's going to be a personal brand now. And I am going to, you know, change the direction of the videos as well. Earlier in class 10th, 11th, I posted study lectures. I posted explanation videos, but I would not be doing that anymore now. Now I am going to go to college and it's going to be a whole new journey, a whole new chapter of my life. I'm so excited for it, and that's what I'm going to share with you guys, my personal experiences, the things I've been learning, and you know, my vlogs and you know, other content, whatever you guys want to see and what I want to share. And now you guys must be really excited to know ki mera kis college mein admission hua hai, because maine ab tak apne classmates ko bhi nahi bataya. Like, leaving aside my best friends, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज द न्यूज़ नाउ. सो आई गॉट एक्सेप्टेड इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड द कॉलेज दैट आई गॉट इज़ दौलत राम कॉलेज, DRC, विच इज़ अ रियली गुड कॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस. आई एम सो वेरी ग्रेटफुल, लाइक आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस कॉलेज, एंड आई एम गोइंग टू परस्यू माई ड्रीम कोर्स एज वेल. आई एम गोइंग टू परस्यू BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, अबाउट विच आई एम सो वेरी एक्साइटेड, आई कॉन्ट रियली एक्सप्रेस इट. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए, एंड माई कॉलेज इज़ बिगनिंग सून. आई एम गोइंग टू अटेंड द ओरिएंटेशन आई थिंक, एंड इट्स जस्ट गोइंग टू बी अमेजिंग, एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑल विद यू गाइज, वट एवर आई कैन रिकॉर्ड एंड यू नो. सो देयर इज इट. अब आपको पता चल गया कि मेरी कितनी परसेंटेज आई, मेरे कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ. इट हैज़ बीन अ प्रोसेस इन इट सेल्फ, सीरियसली, गेटिंग इन टू दिस कॉलेज एंड एवरी थिंग, एंड आई शेयर इट विद यू टू. बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही. Now what I want you guys to do is to comment down below how you feel about this channel's rebranding, and matlab aap kya chahte ho ki main kis tarah ka content share karun, what kind of content you want to see from my side, and I'll try my best to answer all the comments and bring the content, bring the videos that you guys want. It has been really a long journey for me guys. I have missed you all a lot, and I'm so happy to be back on YouTube after such a long time. I'm going to make it worth your while, seriously. Thank you so much for watching this video. Lots of love to you all, and congratulations aapko jo bhi colleges allot hue hain, please comments mein mujhe zarur batao, would love to know. I seriously would. So I'll see you guys in the next video. For right now, bye.